किस देश में कितने आरक्षण के बाद कितने जाटव चमार का 100-100 200 एकड़ का जमीन हो गया, कोई बताए। जिन लोगों का कहना है कि समृद्ध हो गए, तो बताए कितने चमार का 100-200 एकड़ जमीन हो गया, कोई बताए कि कितने पासवान वाइस चांसलर हो गए, कहां ओवर रिप्रेजेंटेशन हो गया, कितने मातंग जो है सुप्रीम कोर्ट में जज हो गए ओवर रिप्रेजेंटेशन से, कोई बताए कितने मीणा जो है 10 शहर में उनकी कोठियां हो गई, विदेशों में कितने मीणा जाति के लोगों की कोठी हो गई, बताए ओवर रिप्रेजेंटेशन है। तो यह जो पूरा ओवर रिप्रेजेंटेशन का यह जो नाटक है, पूरा तमाशा है, यह जो है इनकी चिढ़ दर्शाता है। असली ओवर रिप्रेजेंटेशन पर बात नहीं हो पा रही है। इस देश में दलित आदिवासी वाइस चांसलर नहीं होते हैं, दलित आदिवासी जज नहीं होते हैं सुप्रीम कोर्ट में, इस देश में दलित आदिवासी प्रोफेसर नहीं होते हैं, IIM में एक भी आदिवासी प्रोफेसर नहीं है। असली मुद्दा यह है, एक भी न्यूज चैनल का एंकर आदिवासी नहीं है, दलित नहीं है, तो किस जाति का ओवर रिप्रेजेंटेशन है, इस पर बात होनी चाहिए। अगर ईमानदारी से ओवर रिप्रेजेंटेशन पे बात करनी है तो, अन्यथा यह जो नाटक है, हम समझते हैं कि दलित जातियों का यह जो वर्गीकरण का यह खेल है, यह आपस में लड़ाने का खेल है, इनको लड़ाई करवाना है दलितों के बीच, क्योंकि इनको पता है कि दलित एकता बनी रही तो इस देश में 2 अप्रैल 2018 जैसा आंदोलन हो सकता है। इसलिए उनको दलित एकता से डर लगता है, दलित पिछड़ा एकता से डर लगता है, इसलिए आपस में ये बहुजनों को लड़ाने के लिए खेल खेलते रहते हैं। और इनका पूरा खेल RSS और इसके पीछे सरकार की भूमिका है, मैं इस बात से इनकार करता हूं कि सरकार की भूमिका नहीं है। तेलंगाना के चुनावी सभा में इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस जो जातियों के अंदर वर्गीकरण है, दलित जातियों के अंदर वर्गीकरण का, उसका समर्थन कर चुके हैं और मन से बता चुके हैं कि मेरा सपना है। उनका सपना इस पेशवाई जज चंद्रचूर जी ने पूरा किया है। और आपके चैनल के माध्यम से मैं चंद्रचूर जी से एक बार फिर पूछ रहा हूं, आपके पिताजी जज थे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, आप चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, आपका बेटा अभिनव चंद्रचूर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, आप लोगों ने कौन सी कानून की परीक्षा पास की है, जज बनने की कौन सी परीक्षा पास की है? और कभी कभी मुझे लगता है कि ये जितने लोग कॉलेजियम सिस्टम से जज बने हैं, अगर इनको परीक्षा में बैठा दिया जाए, SSC क्लर्क और चपरासी की परीक्षा भी ये लोग पास नहीं करते। लेकिन सर सवाल ये है कि याचिका भी तो दलित समाज के लोगों ने ही डाली है। ब्राह्मण अपने हाथ से कभी हत्या नहीं करता, इस खेल को समझ लीजिए। ब्राह्मण को जब दलित की हत्या करनी होगी, वह किसी दलित को आगे करेगा, कभी राष्ट्रपति बना देगा, कभी प्रधानमंत्री बना देगा, कभी उसके हाथ से केस करा देगा। ब्राह्मण अपने हाथ से कभी भी हत्या नहीं करता है, ब्राह्मण आपके समाज को आगे करेगा। जैसे 7 जज में से एक गवई जी को जो है खड़ा कर दिया सामने कि दलित के मुंह से जो है सुनवाया जो फैसला है, तो ब्राह्मण अपने से हत्या नहीं करता, ब्राह्मण आपके बीच से आपके लोगों को चुनता है आपके खिलाफ काम करने के लिए, आपकी हत्या करने के लिए। नहीं, आपको क्या खतरा नजर आ रहा है इससे? ये दलित एकता के ऊपर खतरा है, और ये जो क्रीमी लेयर का सवाल है, ये क्रीमी लेयर का सवाल EWS में लागू होना चाहिए था ना। इस देश में जो है 89 के लगभग जो है, अगर मेरा आंकड़ा ठीक ठाक है, तो IAS बने हैं 4 साल में क्रिमिनल EWS रिजर्वेशन से, जिसमें लगभग 79 जो है ब्राह्मण जाति के। तो कौन खाया किसका हक? ब्राह्मणों ने राजपूतों का हक नहीं खाया, आज तक एक जो है राजपूत को भारत रत्न नहीं मिला है, सिर्फ ब्राह्मणों को मिलता है, तो ब्राह्मणों का ने नहीं खाया है हक। वाइस चांसलर ब्राह्मण ज्यादा बनते, राजपूत क्यों नहीं बनता? सचिवालय में प्रधानमंत्री सचिवालय में, अरे तो SC ST ब्राह्मण होते हैं, राजपूत नदारद होते हैं, तो ठाकुरों का हक ब्राह्मण खा रहे हैं ना। अब जज जो है सुप्रीम कोर्ट में खाली ब्राह्मण बन रहा है, राजपूत का है ना बन रहा है। तो ये जो मामला है, ये मूल रूप से मामला तो दलित इसमें है ही नहीं, दलित आदिवासी हम कहां ओवर रिप्रेजेंटेशन है। मामला ये मूल रूप से सवर्णों के बीच का है, माननीय सुप्रीम कोर्ट इसमें सुधार करे, और जहां जहां ब्राह्मणों का ओवर रिप्रेजेंटेशन है, अमीर ब्राह्मण जो है गरीब ब्राह्मणों का हक खा रहा है, अमीर सवर्ण गरीब सवर्णों का हक खा रहा है।
मूल सवाल वहाँ चोट करना तो पड़ेगा। अमीर दलित भी तो गरीब दलितों का हक खा रहा। अमीर दलित कहाँ से खाएगा? अमीर दलित तो खुद ही नक्शे से खाएगा। कितना आप बताइए, कितना दलित अमीर हो गया? कितने दलितों के पास 100 एकड़ जमीन है, बताइए कोई आंकड़ा? तो यही तो कहा जा रहा है कि आंकड़ा, ये समृद्ध हो गया। मतलब अच्छा कपड़ा पहन लिए, समृद्ध हो गए। थाली में आप जो है नमक रोटी भी नहीं मिलती थी, चावल दाल ही आपको अखरने लगा, उसी से आपको समृद्धि दिखने लगी। नंगे बदन थे और शरीर पे कपड़ा आ गया, वही आपको समृद्धि दिखने लगी। समृद्धि कहते हैं, आप बताइए अमीर दलित कौन हो गया? किसका 100-200 एकड़ जमीन हो गया? किसका जो है विदेश में? चिराग पासवान अमीर है या गरीब है, ये बताइए। चिराग पासवान एक व्यक्ति जो अपवाद के रूप में है, जो राजनीति में है, जिसके पिताजी 50 साल से राजनीति में, आप उनसे पूछ रहे हैं वो अमीर है कि गरीब? मायावती अमीर है गरीब है? आप एक दो तीन चार पांच उदाहरण पकड़ के देश का हर चौथा आदमी जो दलित आदिवासी है उसका आप जिंदगी का फैसला तय करना चाहते हैं? एक दो आदमी जो अपवाद है, अपवाद उदाहरण होता है। लेकिन ये सवाल खड़े हो रहे हैं कि ये अपने ही समाज के दूसरे लोगों को आगे नहीं आने दे रहे। क्यों नहीं? ये कौन होते हैं रोकने वाले? है तभी तो आगे आया ये। जो भी आप ये बताइए, मेरे दादा भैंस चराते थे और हम आरक्षण की वजह से यहाँ तक आए, कहाँ रामविलास पासवान मेरा पैजामा पकड़ लिया, कहाँ चिराग पासवान मेरा हक मारा? हमारी सामाजिक स्थिति बदली और लोगों की भी बदल रही है। तो आप ठीक से पहले आरक्षण लागू तक तो नहीं होने दे रहे, मंडल कमीशन लागू नहीं होने दे रहे। आप एक तरफ कहते हैं NFS कि आपको योग उम्मीदवार ही नहीं मिला, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि ओवर रिप्रेजेंटेशन है। भाई मानसिक स्थिति ठीक है ना आपकी, दिमाग का इलाज कराइए, या तो NFS होगा या ओवर रिप्रेजेंटेशन होगा। एक तरफ NFS भी कर दे रहे, दूसरी तरफ कहते हैं खा भी रहा है। भैया कहां, हमको तो आप आने ही नहीं दे रहे। लेकिन सर इसे लागू करने में बड़ी चुनौती, और वो सबसे बड़ी चुनौती जो है वो है जाति जनगणना की, क्योंकि उसके बगैर नहीं होगा। और उसके पर ये जाति जनगणना का सवाल सबसे बड़ा सवाल है। ये जो सुप्रीम कोर्ट जो कह रही है, आखिर कैसे पता चलेगा? मान लिया जाए दो पल के लिए हम इसकी बात मान भी लें, तो फिर आप बताइए आप तय कैसे करेंगे कि किसके पास कार हो गया, किसके पास साइकिल है, कौन नंगे पांव चल रहा? आपको जाति जनगणना करानी होगी। एक तरफ आप जाति जनगणना से बच रहे हैं, जाति जनगणना नहीं कराना चाहते हैं, और दूसरी तरफ आप जो है कह रहे हैं कि कोटे के अंदर कोटा है। कैसे पता चलेगा भला? नहीं पता चल सकता है। तो सबसे पहले सरकार को जाति जनगणना करानी चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा ना कि डाटा लाए सरकार, तुम लाइन है, तो इस पर जोर तो नहीं है। और कोई इतना आसान थोड़ा ही है। हाँ यही मैं कह रहा हूँ, इतना मुश्किल भी नहीं है जाति जनगणना कराना। बिहार सरकार ने करा कर दिखा दिया ना, और केंद्र सरकार के पास अकूत पैसा है, संसाधन है, पावर है, क्या नहीं है? उनको इस बात की इच्छा शक्ति नहीं है कि वो जाति जनगणना कराएं। क्यों ना कराएं? क्योंकि केंद्र सरकार जिन लोगों का प्रतिनिधित्व करती है वो मनुवाद के पोषक हैं, और उनको पता है कि मनुवादियों ने दलितों पिछड़ों का हक खा लिया है। अगर पता चल जाएगा तो इनकी किरकिरी हो जाएगी, खुलकर सामने आ जाएगा। और जो बिहार में ही जाति जनगणना हुआ, आप देख लीजिए आंकड़े क्या कहते हैं। ये जो आरोप लगाते हैं इन जातियों ने खा लिया, उन जातियों ने खा लिया, बिहार की जाति जनगणना तो स्पष्ट है, सामने है, कहां किसने किसी का खाया है। लेकिन सर लागू करने में बड़ी चुनौतियां हैं, मगर समाज में जो एक बंटवारे की स्थिति देखी जा रही है, ये यही तो एजेंडा है RSS बीजेपी का एजेंडा है, बंटवारा। कभी धर्म के आधार पर, कभी जाति के आधार पर। 8000 से ज्यादा जातियों में उन्होंने पहले लोगों को बांटा, उससे भी संतुष्टि नहीं मिली। जब देख रहे हैं कि देश भर में आरक्षण को लेकर आक्रोश बढ़ रहा है, उन्होंने नया सुगुफा छोड़ दिया। इन्होंने देखा 2 अप्रैल 2018 जैसा आंदोलन इस देश का दलित खड़ा कर सकता है, इन्होंने जाति के अंदर उपजाति का सिगुफा छोड़ दिया। ये तो करते ही रहे, ये तो तोड़ फोड़ से ही इनकी नीति चलती है, इन्हीं से इसकी राजनीति चलते हैं चलती है, तोड़ फोड़ से ही जो है इनकी सत्ता और इनका शासन चलता है।